ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ તમે બધા જ સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત હશો બરાબર ને મને આશા છે કે તમે એસએમએન એક્ઝામની તૈયારી શરૂ કરી દીધી હશે મિત્રો આજે આપણે તમને મોકલવામાં આવેલ મોડલ પેપરનું સોલ્યુશન અહીં જોઈશું તો તમે બધાએ પેપર સરસ મજાનું લખ્યું છે ને ઓકે તો आ हिंदी मॉडल पेपर ने अपने वीडियो द्वारा समझिए प्रश्न एक अम सी क्यू जेना मार्क्स पांच नंबर एक चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ फायदा हुआ बी नुकसान हुआ सी मजा आया डी लाभ हुआ आपको इसमें से एक सही उत्तर चुनना है जिसका उत्तर है बी नुकसान हुआ मुन्ने राही ने शांति की नगरी किसे कहा है ए शहर को बी देश को सी धरती को डी गांव को जिसका उत्तर है देश को गीता ने किसे पत्थर बताया ए कातुआ बी मछली सी कछुए डी लंगूर जिसका उत्तर है कछुए नंबर चार माँ ने बाहर क्या सुखाया था गेहूं चावल मक्का मटर। आपको क्या लगता है इसका उत्तर है गेहूँ नंबर पांच, भरत ने किससे माफ़ी मांगी ए लक्ष्मण से बी सीता से सी कई कई से बी राम से तो जिसका उत्तर है बी राम से प्रश्न एक बी कौष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कौष्टक में आपको दो उत्तर दिए गए हैं, एक सही है और एक गलत है आपको उनमें से एक चुनना है नंबर एक खाली जगह जा रहा हूँ देखो हम जा रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ क्या होगा इसका सही उत्तर तो मैं जा रहा हूँ नंबर दो लड़कियाँ खेल रही है कि रहा है उसका सही उत्तर है लड़कियां खेल रही है आगे प्रश्न देखते हैं नीचे दिए गए चित्र के आधार पर पाँच छ वाक्य लिखिए तीन मार्क्स का है मित्रों आप पाँच या छः से भी ज़्यादा वाक्य लिख सकते हो मित्रों यह चित्र को आप ध्यान से लिखिए यह चित्र कहाँ का है मुझे तो जंगल का चित्र दिखाई दे रहा है चित्र में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा सा पेड़ है उस पेड़ पर बंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उसकी दूसरी शाखा पर एक घोंसला है और घोंसले में एक चिड़िया का बच्चा दिखाई दे रहा है पेड़ के नजदीक एक तालाब है तालाब में एक मगर मछली दिखाई दे रही है तालाब के पास एक छोटा सा पत्थर है उस पत्थर पर मेढक बैठा हुआ दिखाई दे रहा है तालाब के उस पार एक खरगोश बैठा हुआ दिखाई दे रहा है पेड़ के नजदीक हिरन दिखाई दे रहा है एक गुफा में से भालू निकलता हुआ दिखाई दे रहा है प्रश्न दो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिखे जिसके मार्क्स है चार आपको उत्तर एक या दो वाक्य में लिखने हैं नंबर एक बाघ आने पर चरवाहे ने क्या किया बाघ आने पर चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा बाघ आया बाघ नंबर तीन रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है नंबर चार भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग हमसे लड़ने आ रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तीन चार वाक्य में लिखे किन ही तीन जिसके मार्क्स हैं छ आपको यहाँ पर चार दिया गया है आपको इनमें से किन ही तीन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे नंबर एक सूरज निकलने पर क्या क्या होता है तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए घोसले से निकल पड़ते किसान खेत में काम करने लग जाता है चरवाहा गाय चराने के लिए निकल पड़ता है सभी फूल खिल जाते हैं संसार के सारे लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं इस तरह पूरा संसार चेतना से भर जाता है नंबर दो ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो मित्रों आप देश सेवा के लिए बहुत कुछ कर सकते हो जैसे कि आप कचरा कूड़ेदान में ही डालोगे आप पानी की बचत करोगे आप बिजली बचाओगे आप पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान दोगे आप किसी से झगड़ा या मारपीट नहीं करोगे आप देश सेवा के लिए बहुत कुछ कर सकते हो आपको अपने विचार लिखने हैं नंबर तीन भरत राम की खड़ाव लेकर क्या करना चाहते थे उत्तर है भरत राम की खड़ाव लेकर सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करना चाहते थे नंबर चार फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उत्तर है फूल का उपयोग सजावट में होता है माला बनाने के लिए होता है देव के सिर पर चढ़ाने के लिए होता है फूल का उपयोग स्त्रियों की वेणी में भी लगता है अब हम प्रश्न नंबर तीन देखते हैं निम्नलिखित समानार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर एक मुसाफिर जिसका समान अर्थ है राही या पंथी हम उसको वाक्यों में प्रयोग करते हैं नन्हा बालक देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला मुसाफिर है नंबर दो पृथ्वी पृथ्वी का समान अर्थ है धरा या धरती वाक्य धरती हमारी माता है निम्नलिखित विरुद्धार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जिनके मार्क्स है दो। नंबर एक दाया दाया का विरुद्धार्थी शब्द होता है बाया हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं मीना के दाए हाथ में कलम और बाएँ हाथ में पुस्तक है नंबर दो गलत गलत का विरुद्धार्थी शब्द है सही मनोज का उत्तर गलत था लेकिन उसने सही समझा आगे देखते हैं सी निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए जिनके मार्क्स है दो यहाँ पर आपको अंक दिया गया है आपको शब्द में लिखने हैं नंबर एक अट्ठाइस नंबर दो उनचालीस डी निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए जिनके मार्क्स है दो नंबर एक जीराफ उसका हम वाक्य बनाते हैं जीराफ की गर्दन लंबी होती है नंबर दो आकाश आकाश में बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं ई निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए जिसके मार्क्स है दो मित्रों यहाँ पर हिंदी वाक्य लिए गए हैं आपको उसे गुजराती में लिखना है नंबर एक बाघ एक भेड़ लेकर चला गया अनुवाद करते हैं बाघ एक बकरी लेने चाल्यो गयो नंबर दो मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है मधमा फूल पर बैसे छे प्रश्न चार निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए मित्रों यहाँ पर आपको मुद्दे दिए गए हैं आपको कहानी तैयार करनी है जैसे कि दो बिल्लियाँ थी एक काली और एक सफेद दोनों को बहुत जोर से भूख लगी थी तो उन्हें एक रोटी मिली एक रोटी के लिए दोनों बिल्लियां झगड़ने लगी इतने में एक बंदर आया बंदर ने देखा कि दोनों बिल्लियां रोटी के लिए झगड़ रही हैं बंदर एक तराजू ले आया तराजू यानी कि ताजू माफ करने के लिए उसने रोटी के दो टुकड़े किए अब उसने रोटी के टुकड़े तराजू में रखे तराजू का एक पल्ला भारी था तो दूसरा पल्ला हल्का था उसने क्या क्या पता है उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया जो पल्ला भारी हो जाता था उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर बंदर खा जाता था इस तरह उसने सारी रोटी खा ली बिल्लियों को एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला दोनों बिल्लियाँ बहुत पछताने लगीं अब बिल्लियों को समझ में आ गया कि हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए आपस में झगड़ा करने से हमारा ही नुकसान होता है प्रश्न चार निम्नलिखित किन्हीं एक विषय पर निबंध लेखन कीजिए मेरी पाठशाला और मेरा गांव इन दोनों में से आपको एक विषय पर लिखना है जैसे कि आप मेरा गांव लिखना चाहते हैं तो आप गांव के बारे में क्या लिखोगे पहले तो उसका नाम लिखोगे बराबर ना आपके गांव में क्या क्या है गांव में एक पाठशाला है अस्पताल है एक छोटा सा बाजार है मंदिर है गाँव के लोग कैसे हैं, गांव में क्या क्या सुविधा है यह आपको लिखना होगा तो मित्रों मैं आशा रखती हूँ कि आपको यह पेपर समझ में आ गया होगा